हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड विद संगीता। आज हम टेस्टी हेल्दी सब्जियों से भरपूर सूप बनाकर तैयार करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये हेल्दी सूप बनाना। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने ली है बारीक कटी हुई गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, बीन्स, स्प्रिंग अनियंस, थोड़े से मटर के दाने लिए हैं और स्वीट कॉर्न लिए हैं। यहाँ मैंने फ्रेश मटर का यूज़ किया है। एक बड़ी प्याज जिसको बारीक कट कर लिया है, 7-8 लहसुन की कलियाँ जिनको बारीक कट कर लिया है और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा जिसको घिस लिया है। अब मैंने कढ़ाई में यहाँ पर थोड़ा सा बटर डाला है और जब बटर मेल्ट हो जाए तो इसमें डालें ये अदरक लहसुन और प्याज। तो मैं यहाँ इसमें यह अदरक लहसुन प्याज ऐड कर देती हूँ। गैस का फ्लेम हमें यहाँ लो टू मीडियम रखना है, हाई फ्लेम नहीं रखना है। और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे हमें हल्का सा भून लेना है। यहाँ इन सब चीज़ों को हमें डार्क ब्राउन नहीं करना है, केवल इतना ही भूनना है कि इनका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए, इसमें कच्चेपन की स्मेल ना आए बस। तो 1-1.5 मिनट तक इनको हम इस तरह भून लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो प्याज है वो ट्रांसलूसेंट हो गया है, तो बस इतना ही भूनना है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बाकी की अपनी सब्जियाँ। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले डाल रही हूँ इसमें ये गाजर, बीन्स। पहले हम वो सब्जियाँ डालेंगे जो थोड़ा सॉफ्ट होने में टाइम लेंगी। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये गोभी। अभी हमने स्प्रिंग अनियंस और शिमला मिर्च इसमें नहीं डाली है, तो यहाँ पर हम इनको भी थोड़ा सा भून लेते हैं। यहाँ पर सब्जियों को हमें एकदम सॉफ्ट नहीं करना है, क्रंची रखना है, हल्की सी ही सॉफ्ट करना है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर हम इन्हें 2-3 मिनट तक इसी तरह भूनेंगे। फ्रेंड्स, ये सूप बहुत ही टेस्टी लगता है और हेल्दी भी होता है, क्योंकि बहुत सारी सब्जियों का यूज़ हम इसमें करते हैं। सब्जियां आप आपके घर में जो भी अवेलेबल हों वो इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सब्ज़ी स्पेशली होनी चाहिए या नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग सब्जियाँ यूज़ करें। तो अब 1.5-2 मिनट बाद मैंने इसमें डाली है मटर, क्योंकि यहाँ मैं फ्रेश मटर का यूज़ कर रही हूँ, तो इस स्टेज पर मैंने मटर डाली है। अगर फ्रोज़न मटर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो बाद में भी ऐड कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ डाल रही हूँ इसमें नमक। नमक आप स्वाद अनुसार डालें। नमक डालने से सब्जियाँ हल्की सी सॉफ्ट हो जाएंगी इस स्टेज पर। अब इसे अच्छी तरीके से इसमें मिक्स करें। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं यहाँ पर स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न डालने से ये सूप बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है। और अब मैंने डाली एक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और स्प्रिंग अनियन। इन सब को भी इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए और 1-2 मिनट तक इसी तरह आप चलाते हुए इसको पकाइए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये हेल्दी सूप की रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और अब जब ये सारी सब्जियाँ हल्की सी सॉफ्ट हो जाएं, तो मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। मैंने यहाँ पर इसमें 3 कप पानी डाला है। आप अपने अनुसार इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो पानी डालने के बाद अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए और सब्जियों को पकने दीजिए। यहाँ पर गैस का फ्लेम मीडियम रखिए। और अब मैंने इसमें डाला है काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा डाला है काली मिर्च पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम या ज़्यादा इसे कर सकते हैं। अब इसको मैंने इसमें अच्छी तरह मिक्स कर दिया है और गैस का फ्लेम मीडियम रखते हुए हम इसे कवर कर कर पकाएंगे। तो कवर कर कर इसको 5-6 मिनट तक पकने दीजिए आप। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें उबाल आ गया है, जो हमने पानी डाला था अच्छी तरह बॉइल हो चुका है। तो अब आप गैस का फ्लेम थोड़ा सा कम कर दीजिए और इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर। तो मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर को पानी में घोल के रखा है, तो वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। धीरे धीरे डालते जाइए और एक हाथ से इसको चलाते जाइए। अब इसे बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसी तरह मिक्स करिए और इसे थोड़ी देर तक आप पकने दीजिए। गैस का फ्लेम लो रखना है इस समय और लो फ्लेम पर इसे थोड़ी देर पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना, 1-1.5 मिनट तक ही पकाना है। और अब ये आप देख सकते हैं कि जो हमारा सूप है वो गाढ़ा हो गया है। ये कॉर्नफ्लावर डालने से सूप एकदम रेस्टोरेंट जैसा बनता है,
इसमें थोड़ी थिकनेस आ जाती है। ये देखिए लग रहा है ना कितना डिलीशियस सूप। तो फ्रेंड्स अब आप गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए और इसमें डालिए नींबू का रस। मैंने यहाँ पर आधा नींबू का रस डाला है इसमें, इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप नींबू का रस डालना नहीं चाहते तो मत डालिए। इसमें आप चाहें तो थोड़े से चिली फ्लेक्स और पिज्ज़ा सीजनिंग भी डाल सकते हैं। और अब इस सूप को आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए। तो फ्रेंड्स है ना कितना इजी ये सूप बनाना। तो इन सर्दियों आप भी अपने घर पर ये गर्मा गर्म वेजिटेबल सूप बनाइए और अपनी फैमिली में सबको सर्व कीजिए। अगर आपको ये सूप पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो।